हमको कमान देना है, अब उनके मुंह में हमारी जबान देना है, और हमारी कौम के नहजों जो गूंजे पहले है, अब उनके कान में हमको अजान देना है। मैंने आपको बताया कि जामा मस्जिद की पार्टी का सीढ़ियों से लेकर दिल्ली के लाल किले तक के हमारी लाशें ही लाशें, उसके बाद हमसे सवाल किया जाता है, हमसे सवाल किया जाता है। मैं शेर पढ़ता हूँ और जश्ने जमूर की हाजिरी लगाता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब रफीक सरवर यहाँ खड़े हुए हैं कि ये साल ये सुल्तान वजन किसने दिया है, तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया है, और ईमान की है बात तो ईमान से बोलो, ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है। दे दी, कितनी बहने बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहेब ईमान जाएंगे। ताकत से खड़े रहो, ईमानदारी से शेर पढ़ रहा कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहेब ईमान जाएंगे, और इस मुल्क को लहू की जरूरत सरहद पे सर कटावे मुसलमान जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोशल मीडिया को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।